दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम पंद्रह बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आज की सबसे पहली खबर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान तीन जनवरी से पंद्रह से अठारह साल के उम्र को लगेगी वैक्सीन दस जनवरी से बुजुर्गों फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज या देश में पंद्रह से अठारह साल तक की उम्र वाले बच्चों को तीन जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी इसके अलावा दस जनवरी से हेल्थ वर्कर समेत सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिए जाएगी इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को देश को संबोधित करते हुए की साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जल्द देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहले डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा एक बार बिहार में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू सीएम नीतीश ने कहा यहाँ की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर कोरोना गाइडलाइन को और सख्त किया जाएगा हाँ, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा और यूपी ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू की संभावना पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है है मुख्यमंत्री ने कहा है, बिहार की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर है यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार ने यह बातें तब कही जब शनिवार को वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा को माल्या परन करने पहुंचे थे अगली बड़ी खबर बिहार में 27 दिसंबर से बदलेगा मौसम कई जिलों में बारिश के आसार जी हां बिहार में हवा का रुख बदलते ही ठंड से आंशिक राहत मिली है पिछले तीन चार दिनों के मुकाबले अब न्यूनतम पारा तीन से चार डिग्री तक ऊपर चढ़ा है मौसम विदो के अनुसार मौसम में हुए बदलाव की वजह से हवा की दिशा में बदलाव और न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी हुई है पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सुबह में रविवार से कुहासा बढ़ेगा कुछ जगहों पर कुहासे में सघनता आएगी पटना में भी सुबह शाम इसका असर दिखेगा सताइस दिसंबर से बादलों का बसेरा सुबह के आसमान में देखने लगेगा अठाईस और उनतीस दिसंबर को पटना नालंदा गया शेखपुरा नवादा बेगूसराय लखीसराय जहानाबाद बक्सर भोजपुर रोहतास औरंगाबाद अरवल में हल्की या मध्यम बारिश होगी वहीं उन्तीस दिसंबर को पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण सिवान गोपालगंज सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर दरभंगा वैशाली शिवहर समस्तीपुर वैशाली जिले में हल्की बारिश होगी अगली बड़ी खबर पटना सहित प्रमुख शहरों से इन राज्यों के लिए चलेगी बसें इन जिलों में बढ़ाई जाएगी संख्या परिवहन विभाग ने बनाई है योजना जी हाँ राजधानी पटना सहित राज्य के प्रमुख शहरों से देश के अन्य राज्यों के लिए बसों का परिचालन होगा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसके लिए कार्य योजना बना ली है कुछ रूटों पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या और रूट का निर्धारण मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा ताकि अगले वर्ष से बसों का परिचालन शुरू हो जाए निगम अधिकारियों के अनुसार पटना सहित राज्य के कई प्रमुख शहरों से अभी देश के अन्य राज्यों के लिए बसे नहीं चल रही है अगर चल भी रही है तो उसकी संख्या काफी कम है जबकि कई रूट ऐसे है जहा यात्रियों की संख्या अधिक देखी जा रही है इसी के मद्देनजर निगम ने पिछले एक आकलन किया था उसमें पाया गया कि पटना के अलावा राजगीर बोध गया दरभंगा सहरसा बक्सर औरंगाबाद छपरा मुजफ्फरपुर सिवान, गोपालगंज भोजपुर सासाराम आदि जिलों से और बसें चलाने की आवश्यकता है इसमें विशेषकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश दिल्ली झारखंड आदि राज्यों के लिए और बस चलाने की जरूरत की गई है अगली बड़ी खबर बिहार में कोरोना तैयारियों का जायजा लेने रविवार यानी आज आएगी केंद्रीय टीम राज्य में कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय टीम आएगा टीम रविवार को पटना पहुंचेगी सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार टीम द्वारा अस्पतालों में बेड की तैयारी ऑक्सीजन की उपलब्धता कार्योजनिक प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था टीकाकरण चिकित्सकों की व्यवस्था आदि समेत अन्य तैयारियों का जायजा लेगी अभी पीएमसीएच में 100, आई में 50 और एम्स पटना में 400 बेड के कोविड वार्ड की तैयारी है आई में बच्चों के लिए अलग से 40 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है बड़ी खबर है ड्यूटी और वेट कम होने के बाद भी ओपी झारखंड से महंगा है बिहार में पेट्रोल जी हाँ केंद्र सरकार द्वारा एक्सरसाइज ड्यूटी में कटौती और बिहार सरकार द्वारा वेट कम करने के बाद भी बिहार के शहरों में पेट्रोल के दाम सौ के पार है तीन नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्सरसाइज ड्यूटी में कमसा पाँच रुपये और दस रुपये की कटौती की गई थी उसके बाद देश के कई राज्यों ने भी पेट्रोल पर वेट कम कर दिया गया था इसके बाद में बिहार में पेट्रोल के दाम दिल्ली पंजाब झारखंड यूपी से अधिक है देश के कई राज्यों जैसे बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश में अब भी पेट्रोल सौ रुपये के ऊपर बेचा जा रहा है बड़ी खबर बिहार पुलिस के अब नहीं चलेगी मनमानी वर्दी में ही कर दी गई है ऐसी व्यवस्था जी हाँ बिहार पुलिस धीरे धीरे हाईटेक होती जा रही है अब ट्रैफिक पुलिस के वर्दी में ही कैमरा लग गया है इससे अब ट्रैफिक नियंत्रण के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसों के अफसरों व जवानों की गतिविधियों को भी नजर रखी जाएगी वाहन के चेकिंग करते वक्त अब ट्रैफिक पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी दरअसल पटना नालंदा समेत कई जिलों के ट्रैफिक पुलिस के अफसरों व जवानों की बॉडी वाहन कैमरे से लेस किया जा रहा है यानी कि पुलिस की वर्दी में ही कैमरा लगा होगा जिसको पहनकर ट्रैफिक पुलिस चलान काटेगी ऐसे में उनकी मनमानी अब नहीं चल सकेगी बड़ी खबर बिहार में अब नहीं होगी पानी की कमी नए साल से पंचायती राज विभाग करने वाला है यह काम इतना आएगा खर्च जी हाँ नए साल में पाँच जनवरी को एक साथ सभी जिलों में कुओं की जीर्णोद्वार का कार्य शुरू होगा सात दिनों में अभियान चलाकर जीर्णोद्वार कार्य पूरा किया जाएगा हर कुए के नजदीक सोखता का निर्माण भी छह जनवरी ऐसी शुरू होगा इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है पचपन हजार से अधिक कुओं का जीर्णोद्वार करना बाकी है। आपको बता दें कि जीर्णोद्वार के तहत जो कार्य होंगे उस पर प्रति कुआ औसतन बासठ हजार रूपए खर्च होंगे साथ ही आपको बता दें कि कुओं के जीर्णोद्वार के तहत सबसे पहले कुएं की उड़ाई और सफाई की जाएगी कुएं की दीवार की अच्छी तरह से मरम्मत कर ऊपर में प्लेटफॉर्म और चबूतरा बनाया जाएगा कुओं को जाली से ढका जाएगा पानी निकालने के लिए जाली में जगह भी बना रहेगी चेन पुल भी लगाई जाएगी साथ ही समीप में सोख्ता का निर्माण होगा कुएं का पानी उपयोग होने के बाद सोख्ता में जाएगा ताकि भू जल स्तर मेंटेन रहे के बाद कुओं की रंगीन की जाएगी अगली बड़ी खबर पटना यूनिवर्सिटी के इन कोर्सों में चालू होगा सेमेस्टर सिस्टम रेगुलेशन तैयार जाने क्या है सी के फायदे जी के फायदे हाँ, पटना विश्वविद्यालय में बी ए और बी कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के लिए रेगुलेशन तैयार कर लिया गया है इसे आगामी सत्र में लागू किया जाएगा जनवरी में होने वाले सीनेट की बैठक में नए रेगुलेशन को पास कर लिया जाएगा इसके बाद इसे राजभवन भेजा जाएगा राजभवन से मंजूरी मिलता ही पाटना विश्वविद्यालय स्नातक कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को टीम ने रेगुलेशन को एक माह में तैयार किया है बड़ी खबर बिहार में दिव्यांग छात्रों को एडमिशन नहीं देने पर कार्रवाई करेगी सरकार लगेगा दस हजार का जुर्माना जी हाँ दिव्यांग छात्रों का नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी ऐसे स्कूल पर दस हजार रूपए का जुर्माना लगेगा राज्य सरकार ऐसे स्कूलों वापस ले सकती है हाल ही में कई निजी स्कूल की शिकायत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पास पहुंची है ऐसे में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य भर के स्कूलों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है अगली बड़ी खबर नए साल में बिहार में घर बनाना हो सकता है महंगा जाने एट खरीदने को कितनी ढीली करनी होगी जी जी नए साल में लाल एट महंगी हो सकती है दरअसल एट पर जीएसटी के की दर बढ़ सकती है इसको लेकर एट निर्माता परेशान है और सरकार से पुरानी दर को ही इतावत रखने की मांग कर रहे हैं अगर उनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो एट के मांगा होने से मकानों की लागत भी बढ़ जाएगी वर्तमान में लाल एट पर एक एवं पांच प्रतिशत जीएसटी की दर निर्धारित की गई है बिहार एड निर्माता संघ के अध्यक्ष मुरारी लाल मनु ने कहा कि इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ नहीं लेने वाले एड निर्माताओं को एक प्रतिशत जी का भुगतान करना होता है जबकि इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने पर पाँच प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है एक प्रतिशत को बढ़ाकर पाँच प्रतिशत और पाँच प्रतिशत को बढ़ाकर बारह प्रतिशत जी करने की बात चल रही है बीस लाख रुपये टर्न वाले ईट निर्माताओं पर यह लागू होना है इससे ऐट प्रति ट्रॉली पंद्रह सौ रुपये से दो हज़ार रुपये तक महंगी हो जाएगी अभी ऐट की दर बारह से चौदह हजार रुपये प्रति ट्रॉली है एक ट्रॉली में पंद्रह सौ आती है अगली बड़ी खबर नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी शिकायतें अब ऑनलाइन कर पाएंगे जनता दरबार में पहुंचने से पहले खत्म होगी समस्या जी हाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना से जुड़ी शिकायतें लगातार जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचती रही है खास तौर पर पंचायती राज विभाग की तरफ से चलाई जा रही हर घर नल का जल और गली गली पक्कीकरण योजना से जुड़ी शिकायतों का अंबार जनता दरबार में देखने को मिल रहा है लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आ रही शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन तरीके से हो पाएगा पंचायती राज विभाग में इसे लेकर ई निश्चय लॉन्च किया गया है इस पोर्टल के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को योजनाओं को लेकर परेशानी है या किसी अन्य तरह की शिकायत दर्ज करानी है तो वह सीधे ई निश्चय ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा पाएगा अगली बड़ी खबर ट्रेन टिकट के लिए नहीं लगनी होगी लंबी लाइनों में एसीआर ने पटना जंक्शन पर कर दी है यह व्यवस्था अब रेलवे स्टेशन पर साधारण टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में लगनी नहीं होगी और न ही उन्हें टिकट लेने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ेगा पहले टिकट की खातिर घंटों पहले लंबी लाइन में लगनी पड़ती थी जब तक यात्री टिकट ले पाते तब तक ट्रेन ही छूट जाती थी यात्रियों की समस्या का पूर्व मध्य रेलवे ने ईजाद कर दिया है इसके लिए स्टेशनों पर ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे यात्रियों की तनिक भी देरी न हो होती है और उन्हें टिकट तुरंत मिल जाएगी दरअसल पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन लगाई जा रही है ट्रायल के तौर पर पहले पटना जंक्शन पर लगाया जा रहा है इसके सफलतापूर्वक संचालन के बाद ही टिकट वेंडिंग मशीन को अन्य स्टेशनों पर लगाए जाएगी एक मशीन जंक्शन के महादेव चोर और दूसरा करबगिया चोर पर लगाए जाएगी जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है फिलहाल पाँच टिकट वेडिंग मशीन लाया गया है आपको बता दें कि इस वेडिंग मशीन में अपना स्मार्ट कार्ड डालने के बाद स्क्रीन पर आए दिशा निर्देशों का पालन कर यात्री अपने गंतव्य स्थान का टिकट प्राप्त कर सकेंगे और अंत की बड़ी खबर बत्तीस जिलों में कालाजार मरीज खोज अभियान शुरू घर घर जाकर मरीजों की पहचान करेगी आशा कर राज्य के चिन्हित बत्तीस जिलों में कालाजार मरीज खोज अभियान की शुरुआत की गई है छह जिले गया अरवल औरंगाबाद रोहतास कैमूर तथा जमुई में विगत कुछ वर्षों से कालाजार का प्रभाव नहीं रहा है इसलिए इन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में कालाजार रोगी की खोज की जा रही है अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर कालाजार मरीजों की पहचान की जा रही है आज के लिए आपका सवाल बताए की राज्य में बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए